घास देखो के यहाँ छीना गोरा बछड़ा कह नहीं घर में ये टाइम सब उन भागी अगर जो लोग होना घर में तो एक फूल भी नहीं बछड़ने से कह कौन घास सबन काट काट के ले जान चाहे कि हमारे हमर चु हमर चु हमर बट अब कोई छह नहीं तो सभी मेरे छोड़ना सिंह घास और अब अरे देखो क्या क्या हाल हुआ छे निगम ब्याल। तो गैस तो फाइनली पहुंच चुके हैं पल्ले गांव थोड़ा सा ही दूर रह गया अब पहले रास्ता बहुत चौड़ा था जब से सड़क बनी है ना देख रहे नीचे तो अभी पूरी यहाँ तक कटी पड़ी है इससे आगे नहीं गई उसके कारण से ना रास्ता बहुत चौड़ा थोड़ा कम हो चौड़ाई इसकी कम होगी जहाँ अगर चक्कर में ना कभी कभी अगर जो ढंग से नहीं चला रही मतलब 20 किलोमीटर जाते तो ये चक्कर में जरा समझ ली चलो पूरा नीचे जा सबसे खतरू रास्ता कटी हुई हो तो अभी दिखोल में आपते अगने और जाओ कर जंगल हुई ऊपर ये देखो एकम एक थोड़ा समय लिख चन पुण्य कोई भी लमड़ जा लिख मानते शर्ट अरे ना भी डाली डाली फूलों की तो गाइस तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं छोटे दादा और के घर तो हे गाइस तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी मेरा प्लान और चाचा जा रहे हैं हम चाचा श्री जा रहे हैं हम छोटे दादा जी के घर और अभी तो खेत में से आए थे चाचा तो हमने कहा चलो चलते हैं फिर उधर भी घूम के आ जाते हैं उनसे भी मिल के आ जाते हैं दादी और से और देखते हैं उनने भी क्या क्या कर रखा है वहाँ पे। तो अभी उनका ना एक और नया घर बन रहा है जिसमें वो गायें रखेंगे तो वो भी देखेंगे दिखाएंगे हम कहाँ पर बनेगा और दादी और ने मुर्गियाँ बना रखी हैं तो खेती खुती क्या क्या करके तो चलो मैं कहा आप सबको भी दिखाते हैं और उनके इधर भी घूम के आ जाते हैं। तो ये रहे हमारे चाचा श्री आगे जा रहे और ये रही कंडाली इधर देखो। तो गाइस तो आपने तो कभी देखी नहीं होगी और गाइस इसको हम इससे हमने मार भी खा रखी है और इसके हमने भुज्जी बना के भी खा रखी है ना चाचा दगड़ मचल दिया तू तो आगे ना पगड़ी से बताना को ना कुछ कुछ है ना चाचा। तो हमने उसकी मार भी खा रखी है और भुज्जी भी खा रखी है आप लोगों ने तो कभी ना मार खाई होगी ना भुज्जी खाई होगी बिच्छू घास है वो और बिच्छू घास भी बोला जाता है उसको डाली डाली फूलों की। तो गाइस तो अभी हम आगे कौन से रोल बोल देते चाचा कौन तो हम आगे खिंचर रोल तो ये है इधर साइड में ना आजकल ज्यादातर बाघ का भी डर रखा तो बाघ ज्यादा लगा पड़ा तो फटाफट से हम भी निकलते अभी दादी और के घर और सामने उनका घर देख सकते हो इतना नजदीक है ज्यादा दूर तो नहीं है बट पहले तो ऐसे भाग जाते थे मगर अब जंगल हो गया ना कोई इधर है ही नहीं इतना नहीं तो घास घूस पहले तो गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं पल्ले गांव थोड़ा सा ही दूर रह गया अब पहले रास्ता बहुत चौड़ा था जब से सड़क बनी है ना देख रहे होंगे नीचे तो अभी पूरी यहाँ तक कटी पड़ी है इससे आगे नहीं गई तो उसके कारण से ना रास्ता बहुत चौड़ा थोड़ा कम हो चौड़ाई इसकी कम होगी जहाँ अगर चक्कर में ना कभी कभी अगर जो ढंग से नहीं चला रही मतलब 20 किलोमीटर जाते तो ये चक्कर में जरा समझ ली चलो पूरा नीचे जाता सबसे खतरू रास्ता कटी हुई हो तो अभी दिखोल में आपते अगने और जाओ कर जंगल हुई ऊपर ये देखो एकम एक थोड़ा समय लिख चन पुण्य कोई भी लमड़ जा लिख मानते शर्ट अरे ना भी और घास देखो के यहाँ छीना गोरा बछड़ा कह नहीं घर में ये टाइम सब उन भागी अगर जो लोग होना घर में तो एक फूल भी नहीं बछड़ने से कह कौन घास सबन काट काट के ले जान चाहे कि हमारे हमर चु हमर चु हमर चु बट अब कोई छह नहीं तो सभी मेरे छोड़ना सिंह घास और अब अरे देखो क्या क्या हाल हुआ छे निगम ब्याल अच्छा ये मनी बोलो बाद में और अपार देखो एकदम डाल बूट काट के दे रहे ना लुको जगह आना कौन अरे आज सड़क का पूरा नाश हुई एकदम लगड़ पीछे सड़क वेल ये लगड़ पूरा जंगल जंगल तो एकदम जरा आराम से चंद पूर दो
रह गया हम जा दियोरो घर मोड़ी तो ये हो दियोर कमर समेट पर घर अरे का कुछ नजारा व्यू तो गाइस तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अरे देखो सड़क का बुरा हाल होता घासी घास सूखी अब तो सूख गई है बट इतना नहीं लोगों ने देखो लकड़ी कूड़ी लगा कर की और हमें ख्याल से दादा और ना इस रास्ते को इधर से लेके जा रहे हैं तो ये रास्ता जाएगा इधर उधर से इधर से इसको बंद कर दिया जाएगा तो इसलिए नया रास्ता बन रहा है यहाँ से और वहां पे चल रहा है काम और वहां पे बन रही मंदिर एक अच्छा तो ये रही वहां पे बन रही एक मंदिर जो अभी बाद में आपको बता दूंगा किस की चीज की बन रही मंदिर तो और चाचा और का घर नीचे और दादा और का घर है ना वो इधर साइड में था पूरा का पूरा टूट गया बस अब वही है और यहाँ पे दाई ने ये पालक राई लगा रखी यहाँ पे दादाजी नमस्ते और दादाजी कम चलो मार्ग सीखना चाहिए ना तुम भी पीना चाहिए कब रहा तुम तब काम को कुछ कौन सुरेंद्र करेंद्र हम से नहीं क्या मैं नहाई नहीं हूँ मैं काम कर रही थी धनिया की गुड़ाई कर रही कहाँ पे करी वहाँ पे करी है अच्छा कड़ी चावल बनाए अच्छा मुर्गी को चराए अच्छा इसको खाना उन्हें खिलाया चाय पिलाई और ये क्या चीज है दादी मेथी ना हाँ देख के लग रही थी मेथी है लहसुन है और ये तन्नू उधर उसको ही होटल लग रही है सॉल ऑर्डर का इतना शर्मा रही है और यहाँ पे दादी और ने उस टाइम पे चल रहा था काम तो यहाँ पे पता नहीं क्या लगा रखा है तो ये देखो चिड़ियों को देखो डर नहीं रहे यहाँ पे धनिया और प्याज लगा रखा है दादी ने इसको ना पूरी तरीके से बाउंड्री करके ना कोई नहीं जा सके इसके अंदर और इधर साइड में प्याज लगा रखा है और ये नीचे भी देखो यहाँ पे भी खेती कर रखी है पानी का जुगाड़ करके यहाँ से पानी चाहता है और इधर उधर खेतों में चला जाता है पूरे में और उस टाइम पे ना इस खेत की कर रहे थे तैयारी तो ये खेत भी हो गया अब रेडी और यहाँ से सीढ़ी रखी है नीचे जाने के लिए और यहाँ पे भी वो लगा रखे हैं क्या गलते हैं इसको सरसों तो यहाँ पे देख सकते हो आप इधर भी तो दादी ने खूब खेती कर दी है बढ़िया कर दिया इधर भी खेत बना दिए इसके नीचे भी खेत बना दिए अब वहाँ पे देखो वहाँ पे लगा दिया प्याज वो सामने तो बहुत बढ़िया कर रखा दादी ने तो यहाँ पे ये प्याज लगा रखा इसके ना बीज भी आ गया वगैरह सूख जाएंगे ना तो इसको कलौंजी बोलते हैं जो काम भी आते हैं और चाहे आप रख दोगे तो उससे फिर दोबारा भी आप लगा सकते हो प्याज तो इसलिए रखे और यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ के रखी हुई है अरे अरे से हाँ राई के बीज होंगे इसमें दाने इधर साइड में भी लगा रखा प्याज प्याज लहसुन लगा रखी दादी ने इस खेत में और उस टाइम पे लगाया था केला का पेड़ कितना छोटा था अब देखो बड़ा हो गया इधर भी और जो ये रास्ता है ना ये रास्ता जा रखा सीधा ओ वहाँ क्या बोलते हैं उसको कुंड गांव के लिए तो पहले जाया करते थे दादा मगर अब तो पूरा जंगल और का कौन जाएगा इस रास्ते से
वीडियो बना यार चमी तो गाइस तो फिलहाल अब करते हैं ब्रेक डिनर और डिनर में यहाँ पे बना रखी है साथ में रोटी और यहाँ पे है ऑमलेट हरी पत्ते की सब्जी के साथ और फटाफट से करते हैं और आप भी कीजिए हमारे साथ और फिर मिलते हैं भी आपको बाद में। तो लगा रखा है यहाँ पे रोटी में घी और चूल्हे की रोटी में तो यार मज़ा ही कुछ हो रहा था खाने में क्योंकि एकदम अंगारों में बनी होती है कोयले में और स्वाद कुछ मज़ेदार होता है। तो चलो फटाफट से करते हैं और मिलते हैं अभी आपको बाद में। आप सभी को मेरा राम राम।